परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्टर के माध्यम से सीधे परीक्षार्थियों से रूबरू हुए और उन्हें परीक्षा में सफलता के टिप्स बताए। पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी लक्ष्य छोटा नहीं होता, उसे पूरा करने के लिए लगन और हिम्मत की जरूरत होती है। परीक्षा के दौरान होपलेस ना हो। पीएम मोदी ने कहा कि टाइम इज मनी, समय की कीमत पहचानिए और उसी के हिसाब से लक्ष्य को हासिल करें। सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी, स्कूल के शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव और गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह ने कहा, इन छोटे छोटे लक्ष्य का वेरिफिकेशन करते रहेंगे तो बड़े लक्ष्य तक जाने में कोई बड़ा हादसा नहीं होगा। आप उसको आसानी से करेक्ट करते जाएंगे, पार करते जाएंगे। तो लक्ष्य सिर्फ होना इनफ नहीं है, लक्ष्य पाने के रास्ते में आपका कितना कॉन्सेंट्रेशन है, आप कितनी एनर्जी कितनी लगाते हैं, किस काम के लिए कितना समय लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, इस पर अगर आप जागरूक हैं, मुझे विश्वास है कि कोई लक्ष्य बेकार नहीं जाता है, वो लक्ष्य आपको भी सामर्थ्यवान बनाता है। इतनी सारी चीजें कैसे आप तुरंत सोचेंगे नहीं, ये छह चीजें काम करो, ये समय निकलेगा, यहां उपयोग करूंगा। टाइम मैनेजमेंट, ये हमारे अपने बात, अपने हाथ की बात, हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इसके लिए कोई बड़े MBA, बहुत बड़ी कोई ऑक्सफोर्ड की किताब पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। आप सिंपली अपने हाथ घर काम के लिए आने वाली महिला को जरा ऑब्जर्व कीजिए। इन दिनों एक ही परिवार में घर काम करने वाले जो लोग होते हैं बहुत कम होते हैं, वे 10-12 घरों में काम करते हैं और उनको पता होता है कि इनके घर में 7 बजे बर्तन साफ करता है, उनके घर में 9 बजे बर्तन साफ करना होता है, उनके घर में 11 बजे कपड़े धोने होते हैं, उनके घर में 12 बजे किचन भेजा। आप देखेंगे साइकिल होगी, स्कूटी होगी, ट्रैफिक का सारा हिसाब मिला होगा, लेकिन बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट उनका परफेक्ट होगा। वो 3-4 बजे तक जितने परिवारों में सेवा करती है या करता है, वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट से करते हैं कि नहीं करते हैं, हमने ऑब्जर्व नहीं किया। यानी जिसने स्कूल देखी नहीं है, क्लास देखा नहीं है, लेकिन उसको भी समझ है कि मेरे समय को मैं ऐसे बांटू। और आपने देखा होगा किसी घर में अगर नहाने में देर हुई है, कपड़े धोने बाकी हैं, तो कह देती है कि ठीक है रखे रखो, कल साथ में धोऊंगी, आज नहीं, मेरा समय मिलता है, होता ही नहीं होता है, आपने ऑब्जर्व ही नहीं किया। यही घर पर है आप ऑब्जर्व कीजिए, जो सफल लोग होते हैं, जो बिल्कुल हंसते खेलते काम कर रहे हैं, उनको समय का कोई दबाव नहीं होता है, कभी ट्रेन दौड़ पकड़ने के लिए भागते नहीं है, कभी उसको लंच बॉक्स कभी भूल जाते हैं, कभी चश्मा भूल जाते हैं, कभी किताब, कुछ नहीं होता है, सब परफेक्ट चलता है। क्यों? उन्होंने अपने समय की कीमत समझी है। टाइम इज मनी हम सुनते आए हैं, लेकिन उसी को सबसे ज्यादा बर्बाद करने का हमारा स्वभाव है। हम तय करें, कुछ रह जाए तो रह जाए, समय बर्बाद नहीं होने दूंगा। परीक्षा पे चर्चा, ऐसा एक देशव्यापी कार्यक्रम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने, जो कक्षा 10 और 12 के परीक्षार्थी जो दबाव में रहते हैं कि हमें परीक्षा देनी है, साइकोलॉजिकली उनका प्रेशर होता है, उस दबाव को समाप्त करने के लिए उन्हें पूरे देश में छात्रों को, अभिभावकों को और जो टीचर्स हैं उनके लिए एक संयुक्त कार्यक्रम आज ये दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में उन्होंने आयोजित किया है। और हम सभी संगठन के लोग भी सभी विद्यालयों में बातचीत करके
और उसी प्रकार का अपना एक कार्यक्रम सरस्वती विद्या मंदिर में यहाँ आयोजित है। बहुत अच्छा ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और यहाँ के भी जो विद्यार्थी हमारे स्थानीय स्तर पर हैं ये लोग भी देख करके और प्रधानमंत्री का जो हाजिर जवाब है, जो प्रश्न किए जा रहे हैं छात्रों द्वारा और जिस प्रकार अभिभावकों ने भी प्रश्न किए हैं दबाव को लेकर के और बहुत सारी जो उनकी भूमिका समस्याएं उसको लेकर के उन्होंने जो चर्चाएं की और प्रधानमंत्री जो बेबाकी से जवाब दिया है उसका हम सभी निश्चित तौर पे हम सभी उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और बच्चों ने भी बहुत सीख ली है और जिस प्रकार के उल्लास के साथ हर्षोल्लास के साथ उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया है, यह एक बहुत अनोखा प्रयोग सदैव प्रधानमंत्री जी ने किया है। निश्चित तौर पर पूरे देश के विद्यार्थी इसे सीख लेंगे और हम सभी उनके उज्ज्वल भविष्य की भी कामना करते हैं और आगे जो परीक्षा है उनमें सफलता के लिए उसे आगे। प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पर चर्चा तो सीधे प्रधानमंत्री जी से सारे स्टूडेंट्स या अभिभावक या अध्यापक संवाद कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी उनका जवाब दे रहे हैं, इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा, विद्यार्थियों को भी उनसे शिक्षा मिल रही है। हम लोगों के जीवन में ये समय की कीमत, 24 घंटे होते हैं, 365 दिन होते हैं, तो सबके लिए जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चाहे छोटा हो बड़ा हो सबके लिए वो है, समय फिक्स है और अपने कार्यों का विभाजन आप अपने उस 24 घंटे में कर लें तो बेहतर होगा, जीवन में आप सफल रहेंगे, यही सब हमारे प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है और उस पर सारे लोग अमल कर रहे हैं। हम लोग सरस्वती विद्या मंदिर में इस कार्यक्रम में आए हुए हैं बस।